हनुमान जी अशोक वाटिका में। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूँगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूँगा। इधर वह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी विदेही को ढूंढना चाहिए। वह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उनकी चहार दीवारी पर चढ़ गए। चहार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहाँ साल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार, नाग, केसर और बंदर के मुँह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आविष्टित हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से टूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। यह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूह से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों में अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज पक्षी दममत मदमत तो होकर उठते थे। मतवालों, मोरों तथा कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहाँ जहाँ विभिन्न आकारों वाली बावड़ियाँ थीं, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्ण में वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक स्वर्णमयी शशंपा अशोक वृक्ष देखा, जो बहुत से लता वितानों और अनगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती होंगी। यह प्रातःकाल की संध्योपासना का समय है और संध्याकालिक उपासना के लिए वेदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए वह महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उठे। उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिगत करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान जी ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा, 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता से मग्न हो
दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो ना हो यही सीता है, इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने बालिका वध कर के सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दे तो भी कम है। ऐसी पतिपरायण साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भवन की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महापवित्रता पतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असहाय कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख में विभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई थी और जिसने नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख सूख कर कांटा हो गई है, किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने दी। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, यह इसी बात से सिद्ध होता है कि यह न तो अशोक वाटिका की सुरम्य शोभा को निहार रही है और न इन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही हो। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवनसुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे सुधबुध भूल कर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतरते रात्रि का अवसान होने पर प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा में सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान जी को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चैतन्य होकर ऐसी युक्ति कर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनके वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के सुंदरकांड भाग 4 हनुमान जी अशोक वाटिका में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।